अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अन अकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म मी फर्स्ट। क्या आप सभी प्रॉपरली मुझे देख और सुन पा रही हैं? ऑल राइट, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स। एंड अगर इन केस आप दूसरे टाइमिंग पे देख रहे हो तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो हाँ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कन्फर्म मी। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून गरिमा, राकेश, जुल्फिकर, किरण, ममता एंड राधे, एवरीबडी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा यूजीसी एग्जाम के लिए, आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। एंड मॉक टेस्ट से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेटर। सो आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन टीच करती हैं एंड पेपर टू मेरा हिस्ट्री है। दिस इज माई टाइमिंग, एज यू कैन सी हियर, डेली इस टाइमिंग पर हमारी क्लास कंडक्ट की जाती है एंड आई हैव अ मोर देन 4 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट आज हम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आपके लिए, जहाँ पे वेरियस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो। प्लस और आइकॉनिक बैचेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप पा सकते हो बहुत ही मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो आफ्टर द जेटी नेट कोड अप्लाई करते पेपर वन पेपर टू। सभी टीचर्स को देख सकोगे विथ मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरी वन। ओके, दिस इज माई प्रोफाइल एट अनअकैडमी एप्लीकेशन। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि एप्लीकेशन पे सिर्फ वही स्टूडेंट देख सकते हैं जो पेड हो, जो आपके वो कोर्स परचेज किए, तो ऐसा नहीं है। अनअकैडमी एप्लीकेशन पर डेली फ्री क्लासेस मेरी चलती है 6:50 PM पर। ये टोटली फ्री होती है, यानी कोई भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकता है। सो अनअकैडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें एंड फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस जिसमें आप अफोर्डेबल लगे आप उसको अटेंड कर सकते हो। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर डियर स्टूडेंट्स? योर आंसर विल बी, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर राइट होगा। फर्स्ट क्यों राइट होगा? क्योंकि आप अगर इनके बीच में डिफरेंस देखोगे तो 18 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मगर ये जो है ये अलग ही डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर 4 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब। ओके, so what will be our right answer here? Fast. Okay, third option will be our right option. Why third? ALU जो कि CPU के अंदर का ही component है, आपको पता है arithmetic logic unit है जो सारा calculation, mathematical, logical चीजें perform करता है, मगर UPS क्या है? Uniform power supply नहीं होगा, it will be known as uninterruptible पावर सप्लाई, यानी कि लाइट जाने के बाद भी कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर काम कर पा रहा है, तो उस वजह से उसके अंदर यूपीएस इंस्टॉल है, इस वजह से अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्लियर? थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब। हम काफी कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन। ओके, द टाइम इज अप नाउ। सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। वाई सेकेंड? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंटरनेट इज लार्जर देन इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट लार्जर देन इंट्रानेट, तो इंटरनेट के अंदर ही तो इंट्रानेट हो गया, एक्स्ट्रानेट हो गया, हर तरह का नेट हो गया, वो समाहित होगा इंटरनेट के अंदर, बिकॉज इंटरनेट सबसे बड़ा मायाजाल है। ओके, इंटरनेट इज लार्जर देन इंटरनेट नहीं। अगर ए ऑप्शन सही है तो बी कंट्राडिक्ट होगा। इंटरनेट एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। इंटरनेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसको हम इंटरनेट कहते हैं।
इंटरनेट एंड इंटरनेट आर सेम? नो नो, इट इज नॉट सेम. इंटरनेट एक बड़ा टर्म है. इंटरनेट एक किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रहा नेटवर्क का टर्म होता है. इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एब्सोल्युटली राइट. एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट. नो, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन. सो आई होप कि आप सभी इसका सही आंसर करें. एवरीवन, सो योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी C++, जावा, ये सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल बी विंडोज. इंटरनेट क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS PowerPoint. ठीक है, यानी कि A का फोर्थ एंड C का फर्स्ट. तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही है जिसमें A का फोर्थ है और C का फर्स्ट है. ओके, बाकी के ऑप्शन आप मिला लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब, काफी बेनिफिशियल ये क्लास आपके लिए होगी. ओके, चल जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का. एक सूटेबल टाइम टेबल में कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? वो है कठोरता. मतलब कि आप इतना भी कठोर मत हो जाओ कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो ही करना है. कोई मेहमान, कोई आपका रिलेटिव आया, जो आप मान लो आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आया जो वर्षों बाद आया हो, सालों बाद आया हो, ठीक है, आपसे मिलना चाह रहा हो, पर नहीं, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हो. आप मिलोगे नहीं भाई, आपके पढ़ने का समय है. तो इतना भी कठोर नहीं होना है खुद पे. ठीक है, स्कूल डिपेंड करता है. मान लो आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, वो भी तो डिपेंड करता है. स्कूल की टाइमिंग अलग हो सकती है, स्कूल में आप कह लो कि एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती है, तो इस वजह से स्कूल पे डिपेंड करता है टाइम टेबल. टाइम टेबल चेंज भी हो सकता है स्कूल के अनुसार. एंड रूल्स रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट. मान लो ऐसा कोई दिन हो जहाँ पे आपको आपको कोई डे सेलिब्रेट करना हो स्कूल में. ठीक है, स्कूल में कभी कभी होता है इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, उस दिन आपको स्कूल जाना पड़ता है. कोई संडे को भी बुला सकते हैं, जैसे अगर आप गाइड में पार्टिसिपेट किए हो तो किसी संडे को बुला लिया आपको. तो ये भी डिपेंड करता है कि रूल्स रेगुलेशन क्या है गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा, आप उसमें ज्यादा टाइम लगाओगे. ठीक है, सूट आप टाइम टेबल बनाओगे, ज्यादा टाइम डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दोगे. सो कठोर नहीं होना है टाइम टेबल बनाते वक्त. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके राकेश, ओके, हरी, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर ईच एंड एवरीवन? ओके, मोटिवेशन साइकिल आपका अब्राहम मैश्लो द्वारा दिया गया है. किनके द्वारा मोटिवेशन साइकिल दिया गया है? अब्राहम मैश्लो. ओके, हाँ, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर. अच्छा, आई थिंक इसमें डायग्राम नहीं इनपुट किया गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप कह लो कि मोटिवेशनल साइकिल कैसे काम करता है, सो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन. एक ड्राइव होना, आपके अंदर एक चाह होना जरूरी है, इच्छा शक्ति का होना जरूरी है. ठीक है, पहले इच्छा शक्ति आपका डेवलप होगा, फिर जो आपने इच्छा जताई है, जैसे अगर UGC नेट क्लियर करना है तो आपका बिहेवियर भी वैसे ही आप चेंज करोगे. ठीक है, आप पढ़ाई करोगे, आप पेपर वन पेपर टू पे डेडिकेटेड पढ़ाई करोगे. सो आपका बिहेवियर आपके इच्छा के अनुसार चेंज होगा, जो आपने गोल डिसाइड किया है. फिर जब आपको गोल मिल जाएगा, यानी कि आपने अचीव कर लिया JRF का सर्टिफिकेट, UGC नेट क्लियर कर लिया, तो आप क्या करोगे? अंतिम स्टेज है कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे. ठीक है, अंतिम स्टेज है सेटिस्फाई हो जाना. सो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन. ठीक है, बी विल बी आवर राइट आंसर. ए नहीं होगा. पहले इच्छा शक्ति तो होना जरूरी है ना, ड्राइव होना जरूरी है आपके अंदर किसी चीज को पाने के लिए. इसीलिए आपका बी आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट.
ओके, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर. तो ए विल बी योर राइट ऑप्शन. सेंडर यानी कि सोर्स मैसेज को भेजता है, इनकोड करता है, फिर चैनल के माध्यम से रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, डिकोड करता है, उसके बाद उसको फीडबैक करता है. क्लियर? यहाँ पे आपका ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वॉज डेवलप बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल? हाँ, स्टूडेंट को एज अ आप कह लो कि इंडिपेंडेंट बनाने की बात की गई है. ठीक है, स्टूडेंट को एज अ इंडिपेंडेंट बनाने की बात की गई है. डेवलप किया गया था सुचमान द्वारा. ठीक है, सुचमान द्वारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को डेवलप किया गया था, एज यू कैन सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट आंसर. कौन सा मॉडल ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है, मॉडल ऑफ टीचिंग का पार्ट या फंक्शन नहीं है? एवरीवन, हरी अप. सो इट विल बी सिलेक्शन ऑफ सोशल स्किल, यानी कि आप समाज में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाते हो, इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग. ठीक है, ये मॉडल ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है, ये आपके आप कह लो कि पर्सनल फैक्टर हो सकता है कि सामंजस्य कैसे बिठाते हो समाज में अपने सोशल स्किल के जरिए. तो ये आपका पर्सनल फैक्टर हो सकता है. मॉडल ऑफ टीचिंग में कैरिकुलम को डिजाइन करना कैसे है आपको, एंड जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस हैं, उन सबको यूज कैसे करना है, गाइडिंग द टीचर एक्टिविटी इन द टीचिंग, ये भी आपको एक मैटर करता है. लेकिन सोशल स्किल आपका एक पर्सनल फैक्टर हुआ जिसका मॉडल ऑफ टीचिंग में कोई रोल ज्यादा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, ताकि मैम को पता चल सके कि यू आर लाइकिंग द सेशन. हरी अप, द रिसोर्सेज विच अ टीचर यूज टू डिलीवर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड एज वॉट, कॉल्ड एज टीचिंग मटेरियल्स. यानी कि ऐसा रिसोर्सेस, ऐसा संसाधन टीचर यूज करता है ताकि वो प्रभावशाली रूप में निर्देश को दे सके, तो उसे हम टीचिंग मटेरियल ही तो कहेंगे. टीचिंग मटेरियल में आपका ऑडियो विजुअल डिवाइसेस आ जाते हैं, और जो भी डिवाइसेस यूज करते हो, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर को यूज करके आप निर्देश दे रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, या कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो टीचिंग मटेरियल हुआ. आप कंटेंट यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें सामग्री में आ जाती हैं, टीचिंग सामग्री में. क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन. ओके, दिस सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो जरूर इस सेशन से कुछ ना कुछ हासिल करें. ओके, कौन सा इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द फंक्शन? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट आंसर हियर. इमेजिनेटिव लर्निंग क्या होता है? इमेजिनेटिव लर्निंग मीन्स कि देखो, और सारी चीजें लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग होती है स्किल के जरिए, साइकोमोटर आपने सुना होगा, एटीट्यूडनल अफेक्टिव डोमेन आपने सुना होगा. ये तीनों एक डोमेन को आपको डिस्क्राइब करे, कॉग्निटिव डोमेन, लर्निंग आप कह लो स्किल के द्वारा, साइकोमोटर डोमेन एंड एटीट्यूडनल यानी अफेक्टिव डोमेन. ये इमेजिनेटिव लर्निंग क्या है? जो आप प्रोकास्टिनेट करते हो चीजों को कि अरे मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, और अब हम स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं अपने फ्यूचर को, तो वो इमेजिनेटिव लर्निंग नहीं होगा जब तक कि आप अपने इमेजिन में माइंड को यूज ना करो. कोई चीज इमेजिन करते हो आप, माइंड ना लगाओ, तो वो लर्निंग नहीं होगी, वो बस एक स्वप्न रह जाएगा. ठीक है, सो ए विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, मैम ये PYQ है क्या? अमीना, दिस इज योर मॉक टेस्ट. ओके, PYQ थोड़े बहुत मिक्स हो सकते हैं, बट ये प्योरली आपका मॉक टेस्ट है. चलो इस क्वेश्चन को हल करो ईच एंड एवरीबॉडी. कौन सा स्टेप नहीं है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का?
Okay, so what will be our right option here? C will be your right option. डाटा सिलेक्शन अप्रोच जो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का आप कह लो कि स्टेप नहीं है. दिस इज योर ग्राफ. पहला फेस देखो, वेरियस फेस होते हैं और काफी फेसेस हर डायग्राम में चेंज होते हैं, मगर मेजरली आपको कुछ चीजें याद रखनी है. प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करते हो कि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इंक्वायरी करते हो, डाटा गैदर करते हो. जब प्रॉब्लम पता चल गई उसके लिए फिर डाटा को गैदर करते हो, ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद फॉर्मुलेट करते हो अपने एक्सप्लेनेशन को, उसके बाद एनालिसिस करते हो. ये आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हुआ. जांच पड़ताल करना, जांच के लिए एक समस्या होनी चाहिए, फिर रिसोर्सेस होनी चाहिए, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सप्लेनेशन फॉर्म करोगे, फिर एनालिसिस करोगे कि सही थी कि नहीं थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अब कौन सा इसमें से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? फास्ट, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? एवरीवन, ओके, कौन सा इसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? ट्रांसपेरेंसी. ये पारदर्शिता क्या होता है भाई? ट्रांसपेरेंट होना है मतलब यहां से आप देख रहे हो तो दूसरी तरफ दिख जा रहा है, तो ये कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल थोड़ी हुआ. ये तो एक इनकम्प्लीट शब्द है, ट्रांसपेरेंट होना. ओवरहेड प्रोजेक्टर मीन्स कि आप ये प्रोजेक्टर देख रहे हो यहाँ पे, तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर हुआ जिसके थ्रू आप पढ़ा सकते हो. ऑडियो कैसेट भी प्ले कर सकते हो, बच्चा सुन के चीजों को आप कह सकते हो याद कर सकता है. प्रिंटेड मटेरियल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो, मगर ट्रांसपेरेंसी इज नॉट अ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. क्लियर ईच एंड एवरी वन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव. कोई भी चीज जिसमें आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एंड ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो जहां पे आप इंफॉर्मेशन साझा कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना. इट विल बी ऑनलाइन लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, लर्निंग थ्रू एजुकेशन सैटेलाइट. ठीक है, एजुकेशनल सैटेलाइट. तो डी विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी आप क्रम स्टेप बाय स्टेप कोई चीज निर्देश दे रहे हो बच्चों को, तो उसमें कौन कौन से शामिल हो जाएंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? एवरीबडी, वेरी गुड, वेरी गुड. योर सरकारी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ द अबव. लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी वन वे आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. ब्रांचिंग प्रोग्राम, यानी वेरियस चीजों को मिलाकर कोई आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, और मैथमेटिकल के कंसर्न में आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूज कर पा रहे हो. तो डी विल बी आवर राइट आंसर. एडवांस ऑर्गेनाइजर, ये मॉडल किसने दिया था? एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी कि टीचर कैसे एक्ट करते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर एक्ट करते हैं. अगर टीचर कंटेंट को आप कह लो कि जो पढ़ाना है, टीचर उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं लाएंगे तो आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो टीचर कैसे एक्ट करते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर के रूप में एक्ट करते हैं, और डेविड ऑसुबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर का मॉडल दिया था. डेविड ऑसुबेल, और ये प्योरली डेडिकेटेड है टीचर को. ठीक है, कि टीचर अगर कैसे एक्ट करते हैं, जो भी उनको पढ़ाना होता है उसको पहले से ऑर्गेनाइज करके लाते हैं, जैसे उनको पढ़ाना होता है उस माध्यम को ऑर्गेनाइज करते हैं, और कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को शक्ति प्रदान करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीवन, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? Hurry up. Okay, so having known about the students, it is the duty of the guide to help the students. अगर किसी guide को, मार्गदर्शन को student के बारे में पता है, तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो बच्चे को, बच्चे का जीवन का लक्ष्य क्या है उसको वो idea दे सके. Devotion and faith, उसमें भक्ति और विश्वास की जो भावना है वो जागृत कर सके. क्योंकि देखो, जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को मानो, लेकिन एटलीस्ट आप मन की शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हो. ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, शांत पीसफुल लाइफ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो.
क्रिएटिव वर्क में आपका इंटरेस्ट दिलाना, तो ये मार्गदर्शन का ये सारा आपके लिए ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम ब्लर हो गया है स्क्रीन। मधुमिता, पहली बात आप क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए एंड स्क्रीन को फुल कर लीजिए। ओके, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया था? ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी ब्रेन में तूफान उठना, विचारों का तूफान उठना, ठीक है, थॉट का तूफान उड़ना इन्होंने दिया था, AF ऑब्सबोन ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड डियर स्टूडेंट्स? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड मींस क्या होता है कि हम आपको एक टॉपिक देंगे और आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितने भी आइडिया आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, वो आप हमें साझा करोगे। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि आपके मन में ये कैसे आ गया, आपके मन में वो कैसे आ गया उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ऑल आइडियाज को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, आइडियाज को बिल्ड किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को आप कह लो कि नोट डाउन किया जाता है और आप कितना ज्यादा अच्छे से सोच सकते हो इस चीज पर बढ़ावा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीबॉडी व्हाट इज द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन? वेरी गुड, वेरी गुड। नेचर कैसा है? इंफॉर्मेशन को साझा करना, प्रोवाइड करना। व्हाट इज द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन? मैम हमारे मन में जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको साझा करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, यही इसका नेचर होता है कम्युनिकेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब एवरीबडी, हाँ सरकारी ऑप्शन दिखाने की इसी पे क्लिक कर देना। अच्छा चलो, प्रिंसिपल ऑफ बेटर कम्युनिकेशन आर, किससे संचार अच्छा हो सकता है? अगर आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, जो भी आप प्रसारण कर रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन अच्छी, आप कह लो इंफॉर्मेशन को प्रसारण करना और एक सफिशियंट इंफॉर्मेशन होना, यानी ये नहीं कि आप अधूरी इंफॉर्मेशन प्रसारण कर रहे हो, नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, सफिशियंट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि आधा उसने आपके चैनल पे देखा, आधा दूसरे चैनल पे देखा क्योंकि इनकम्प्लीट था। ओके, हरी अप, हरी अप, सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव 10 सेकेंड लेफ्ट। एवरीबडी, स्ट्रेटेजी इन विच ग्राफिकल टूल आर यूज टू हेल्प स्टूडेंट ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंट नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट मैपिंग। देखो एज अ टीचर मैं जब आपको कोई चीज समझाती हूँ तो आप उसको विजुअलाइज करते हो कि नहीं, मन में विजुअलाइज करते हो कि नहीं कि हाँ ये चीजें मैम कुछ बता रही हैं, तो हम उसको ग्राफिक ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, हम उसको ग्राफिक मतलब विजुअलाइज करते हैं, तो इट विल बी आप कह सकते हो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग का एक पार्ट है कि विजुअलाइज करना चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, ये जो मॉडलिंग है बेस्ड ऑन द वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट, मॉडलिंग किस किन्होंने दिया था? मॉडलिंग का जो आप कह लो मॉडलिंग या फिर सोशल लर्निंग का, ठीक है, सोशल लर्निंग, आई होप कि सोशल लर्निंग आपने पढ़ा होगा, किन्होंने दिया था? एवरीबडी, वेरी गुड, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था मॉडलिंग का आप कह लो कॉन्सेप्ट। क्या है ये मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट? तो अटेंशन, कंज्यूमर पहले फोकस करता है, रिटेंशन, बिहेवियर जो भी उसने आप कह लो कि प्रायर एक्सपीरियंस होता है उसको रिटेन करता है, याद रखता है, प्रोडक्शन, फिर नई चीजों को उसमें आप कह लो कि वो परफॉर्म करता है और फिर मोटिवेट होता है, क्लियर। ये ऑब्जेक्शनल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल या फिर सोशल लर्निंग आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, Everyone, solve this question. Characteristics of action research. Not a characteristics. मतलब जो इसमें से विशेषता नहीं है action research का। इसमें ये नहीं पूछा गया कौन सा है, कौन सा नहीं है, not, not लगा है, तो C क्यों कर रहे हो answer? C तो एक बहुत ही अच्छी विशेषता है action research की। Okay. B will be our right option. देखो, action research means क्या होती है?
कोई भी जो सिचुएशन हो रहा है उस सिचुएशन में वो सॉल्यूशन लाने की बात करता है, यानी इमीडिएट सॉल्यूशन लाने की बात करता है, उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात करता है, सुधारने की बात करता है। हीरो एक्शन कब लेगा? जब कोई परिस्थिति गलत हो रही हो तो उसको सुधार करने के लिए तो हीरो एक्शन लेता है मूवीज में। वैसे ही याद रखो एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, प्लस इम्प्रूव करने के लिए होता है, जो भी कंडीशन हो रही है उसको सुधारने की बात करता है। एफर्ट लगती है, संसाधन लगते हैं फाइनेंस कंपैरिजन टू फंडामेंटल रिसर्च। हाँ, थोड़े से कम लगते हैं क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी का निर्माण हो रहा है और थ्योरी का निर्माण होगा तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कंसर्न विद द बिल्डिंग ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। देखो एक्शन रिसर्च कोई थ्योरी नहीं बनाता, एक्शन रिसर्च बस उस थ्योरी में जो सॉल्यूशन निकल के आया उस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने की बात करता है। आप समझ रहे हो, थ्योरीज जब अप्लाई होती है कहीं पे तो उसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। अप्लाइड रिसर्च में जब भी कोई दिक्कत आती है तो उसमें एक्शन रिसर्च परफॉर्म की जाती है। सो ये बी का आंसर होगा, फंडामेंटल रिसर्च। क्लियर है, थ्योरी हमेशा फंडामेंटल रिसर्च में बनाई जाती है। एवरीवन, इसको आप प्योर और बेसिक रिसर्च भी कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम प्लीज एक्सप्लेन डी। ओके, तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपको कि अगर हम फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च को कंपेयर करें तो एक्शन रिसर्च में थोड़ा कम एफर्ट लगता है, कम संसाधन लगते हैं और पैसा भी कम लगता है। बिल्कुल सही है, फंडामेंटल रिसर्च में आप थ्योरी बना रहे हो, एक नया सिद्धांत दे रहे हो, तो नया सिद्धांत में दिमाग ज्यादा लगेगा, यानी एफर्ट ज्यादा लगेगा, संसाधन भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। अब कोई परिस्थिति को आप सुधार रहे हो तो थोड़ा कम पैसा लगेगा क्योंकि परिस्थिति ऑलरेडी है, उसमें बस आप कोई चीज सुधारने की बात कर रहे हो। ठीक है, सुधारने में कम पैसा लगता है, बनाने में ज्यादा पैसा लगता है। क्लियर है, और पैसा संसाधन एफर्ट सब चीजें बनाने में ज्यादा लगता है, सुधारने में कम लगता है। आई होप कि आप सभी समझ गए हो। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो एवरीबॉडी। एससी टाइप क्वेश्चन कौन सा इनमें से ये एससी टाइप क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है? ईच एंड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। वाई सी, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेशन। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स के पास एक ये आप कह लो अवसर होता है कि वो अपने वे ऑफ थिंकिंग को, उनके नजरिया को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको कहानियां लिखनी है, मतलब कि पूरा आपको कह देंगे कि ये एक पेज पूरा भर दो, निबंध लिख दो, तो इसमें आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो। ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, जहां पे आप अपने ओपिनियन, अपने परसेप्शन को यूज कर पा रहे हो वो सब्जेक्टिविटी हो गई। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ राइटिंग स्किल, एब्सोल्युटली राइट आंसर। आप अपनी राइटिंग स्किल का मूल्यांकन कर पाओगे कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, लिखने की शैली कैसी, आप अच्छा लिखते हो, बुरा लिखते हो, कैसे इजी शब्दों का यूज कर रहे हो या थोड़े से दमदार शब्दों का यूज कर पा रहे हो, इसका मूल्यांकन करते हो। विश्वसनीय नहीं रहती है क्योंकि आज जो आप लिख रहे हो वही सेम टॉपिक आपको 10 दिन बाद दिया जाए, 1 साल बाद दिया जाए, तो आप उसको चेंज करोगे। ठीक है, तो ये विश्वसनीय नहीं रहेगी। विश्वसनीय मींस की कंसिस्ट रहना। ठीक है, कंसिस्ट रहना, आज जो लिख रहे हो कल भी वही लिखोगे, 1 साल बाद भी वही लिखोगे, तो ये विश्वसनीय नहीं रहती क्योंकि इंसान बदलता है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को हल करो एवरीवन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो कौन सा ऐसा चीज है जहां पे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हर तरह के मूल्यांकन टेक्निक यूज होते हैं? वो है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर स्ट्रक्चर्ड यूज हुआ तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, ठीक है, एंड अनस्ट्रक्चर्ड हुआ तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। ओके, और सेमी यानी कि मिक्स हो जाएगा। क्लियर, क्लियर एवरीबडी, इंटरव्यू विल बी आवर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। हम सॉल्व करें मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा योर अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीबॉडी। एक ग्रुप क्या हो रहा है,
जब ग्रुप समूह में लोग आपस में बैठ रहे हैं, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हो, समूह में आपस में बैठ रहे हैं लोग और विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस सिचुएशन थ्रू ओरल इंटरेक्शन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और अटेम्प्ट टू रीच अ डिसीजन और शेयर प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैनल डिस्कशन. वॉट इट विल बी नोन एज पैनल डिस्कशन मीन्स कि आप क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग विराजमान हैं, ये आपस में बातों के थ्रू किसी समस्या का हल निकाल रहे हैं या फिर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है. जैसे आपने इंटरव्यू देखा होगा, जो सेलिब्रिटीज हैं आपस में बैठ के इंटरव्यूज देते हैं, या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है तो जो हमारे टॉप के लीडर्स होते हैं वो बैठ के डिस्कशन देते हैं और यहाँ पे लोग उनको सुन रहे होते हैं. इट विल बी नोन एज पैनल डिस्कशन. क्लियर एवरीबडी? ओके. वर्कशॉप कब होगा? जब आप अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करते हो, अपनी कला को शोकेस करते हो. टीम टीचिंग, जब टीचर आपस में मिलके आपको पढ़ाते हैं. इंक्वायरी अप्रोच, तो आप सभी को पता है, पूछताछ का दृष्टिकोण होना, यानी डिस्कवरी वाला थॉट होना कि ये चीज ऐसी क्यों है, वो चीज वैसी क्यों है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप, इट इज द मोस्ट ईजी क्वेश्चन. कम्युनिकेशन का मॉडल आपको बताना है और आज भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन मॉडल आज भी पूछे जाते हैं आपसे. सो वेरी गुड. सी विल बी आवर राइट ऑप्शन. सोर्स यानी कि सेंडर होना, सबसे पहले सेंडर ही तो आएगा, उसी से मैसेज शुरू होता है. माध्यम होना कि आपको व्हाट्सएप से मैसेज करना है, टेलीग्राम से करना है, फेस टू फेस करना है, ये आप डिसाइड करते हो अपना माध्यम. फिर एक रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, फीडबैक देता है. तो ये आपका सी विल बी आवर राइट आंसर. ये डायग्राम आप देख सकते हो. एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है इसमें से? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है इसमें से? एवरीबडी, हाँ, वेरी गुड. चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो. तो यहाँ पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपका लेसर प्रिंटर हो गया, या फिर जो इंक जेट प्रिंटर होता है, इंक जेट प्रिंटर हो गया, वो हो गया, या फिर जो थर्मल प्रिंटर होता है. ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के, ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के. क्लियर ईच एंड एवरी वन. डेजी व्हील हो गया आपका इंपैक्ट प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स भी आपका इंपैक्ट प्रिंटर में माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप एवरीवन, ईच एंड एवरीवन. ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? कोई चीज प्रसारण की जा रही है, ठीक है, कोई चीज टेलीविजन पे प्रसारण की जा रही है. मान लो मन की बात हो रही हो, या स्टार प्लस पे कोई सीरियल चल रहा हो, या किसी भी प्रोग्राम को प्रसारण किया जा रहा है, उसमें कौन सा नेटवर्क यूज होता है? एवरीबडी, बहुत डांट पड़ेगी. स्टार तो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा ना, स्टार टोपोलॉजी तो एक लिमिटेड एरिया के लिए हो जाएगा. ओके, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है, जहां पे प्रसारण के लिए ये यूज होता है, ठीक है. ऐसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है. दिस इज योर ग्राफ हियर. ओके एवरीबडी, सो डी विल बी योर राइट ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? स्टूडेंट्स एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज इज अ फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ. स्टूडेंट्स अपने आसपास, आप कह लो कि सोशल एक्टिविटी के जरिए अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट, निर्माण करते हैं. ये अप्रोच होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहलाता है ये, ठीक है. क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहलाता है. और बाकी बिहेवियर थ्योरी अलग है, मोटिवेशनल थ्योरी अलग है, एक्टिविटी अप्रोच अलग है, ठीक है. बी विल बी योर एप्रोप्रिएट आंसर. अब किन्होंने ये मॉडल दिया, राइट डाउन द नेम ऑफ द, आप कह लो कि जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया वो कौन है, मुझे इनके नाम बताओ. कंस्ट्रक्ट मॉडल किसने दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके एवरीबडी एवरीबडी सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर ईच एंड एवरीवन अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट इज नोन एज व्हाट मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग ठीक है क्या हो रहा है यहाँ पे थिंकिंग अबाउट व्हाट वी थिंक थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मतलब आप ये सोच रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो समझ आ रहा है ये चीज कि आप आपके अंदर कितनी आप इस बात का अवेयरनेस है आपके अंदर इस बात की समझ है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है किस परिस्थिति में आप नेगेटिव हो जाते हो किस परिस्थिति में आप पॉजिटिव रहते हो कहाँ पे अगर किसी ने दो बात बोल दी तो आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है इस बात का अवेयरनेस होना ठीक है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज नोन एज मेटाकॉग्निशन क्लियर मेटाकॉग्निशन विल बी आवर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन क्लास अगर पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर किया करें ताकि मैम को पता चल सके कि आपको ये क्लास बहुत 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 अच्छी लग रही है ओके हाँ चलो फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीबडी स्पेसिफिक नोशन एडवांस ऑर्गेनाइजर स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनहेंस लर्निंग वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ डेविड ऑसुबेल और एडवांस ऑर्गेनाइजर मैंने आपको ये बताया ही था कि टीचर क्या होते हैं एक एडवांस ऑर्गेनाइजर एडवांस में ही चीजों को ऑर्गेनाइज करके क्लास में एंटर करते हैं तो डेविड ऑसुबेल ने ही ये चीजें रखी थी ठीक है डेविड ऑसुबेल ने रखी थी जीन पियाजेट ने तो आपका वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो दिया था ठीक है ब्लूम ने आप सभी को पता है डोमेन दिए थे ठीक है एंड गैगनी ने आप कह लो कि इन्होंने क्या दिया था सिद्धांत दिया था एक जो कि आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट हाँ लर्निंग हायरार्की शायद दिया था ओके चलो एवरीबडी हाँ थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया था गैगनी ने ओके आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट एवरीवन ओके एवरीबडी व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर स्पीकर एंड लिसनर हैव टैक्टिकली एग्रीड ऑन द शेयर्ड गोल सक्सेसफुली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इन अ वेज दैट आर मैक्सिमली रेलेवेंट टू वन अनदर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि आप क्या कर रहे हो दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के कोई चीज सीखने का प्रयास कर रहे हो समझ में आ रहा है ये बात कोऑपरेटिव क्या होता है दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के कोई चीज को याद करना सीखना ये चीजें होती है कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पे लिसनर और जो स्पीकर है आपस में इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित करके एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इस प्रक्रिया इस सीखने की प्रक्रिया को हम कोऑपरेटिव कहते हैं बिकॉज दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाया जाता है ठीक है कंस्ट्रक्ट तो मीन्स कि आपके आपके जो सोशल एटमॉस्फेयर होता है आपका नॉलेज होता है इस हिसाब से आपकी नॉलेज का निर्माण होना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी शेयरिंग एंड मोटिवेशन हमने डिस्कस किया मोटिवेशन के काफी सिद्धांत मार्केट में हैं एक मैश्लो का भी मोटिवेशन है यार कि आपको पता है बेसिक नीड हो गया ठीक है फिर आपका सबसे ऊपर एक्चुअल रियलाइजेशन हो गया ये सारी चीजें मोटिवेशन में होगी चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो Everybody. Okay. Here, the training model में कौन सा assumption नहीं है Inquiry training model में कौन सा assumption नहीं होता है Cramming यानी कि रटना सभी knowledge का base है ठीक है आधार है So ये inquiry training model में नहीं शामिल किया गया Inquiry means होता है पूछताछ करना रटना मींस कि बिना पूछताछ के चीजों को याद कर लेना तो इसका आपके लोग कंट्राडिक्ट हो रहा है विरोध हो रहा है दोनों ऑप्शन आपस में विरोध कर रहे हैं बाकी के ऑप्शन सही है कि नॉलेज टेंटेटिव होते हैं अस्थाई हैं आज आप इस नॉलेज पे विश्वास करते हो कल आप मार्केट में साइंटिफिक रिसर्च होगी आप दूसरी नॉलेज पे विश्वास कर लोगे आप कह सकते हो काफी एक प्रभाव जो हो रहा है उसके काफी कारण हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यूरियोसिटी आपके मन में जागृत होते हैं मगर डी विल बी आवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हरी अब
चलो फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर करो, राइटली आंसर करो। कौन सा शामिल नहीं किया गया है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर? एवरीबडी ओके। सो कौन सा चीजें हैं जो आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में शामिल नहीं किया गया है? इट विल बी असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल को शामिल नहीं किया गया है। असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल यानी राइट टू एक्सप्रेशन आपके पास होता है, आप अपने वे में चीजों को एक्सप्रेस करते हो। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल होता है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। इंडेक्टिंग थिंकिंग होती है कि आप किससे बढ़ रहे हो, पर्टिकुलर तो जनरल बढ़ रहे हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक से आप एक सामान्यकरण की तरफ बढ़ते हो। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी शामिल किया जाता है, असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल नहीं शामिल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप ईच एंड एवरीवन। टाइनेक्टिक अ मॉडल टू डेवलप क्रिएटिविटी वाज प्रोपाउंड बाय हूम, किसके द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया था? एंड व्हाट इज टाइनेक्टिक? ओके हरी अप हरी अप। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? हाँ, सो साइनेटिक एक तरह का क्या होता है, अप्रोच होता है जिसमें हम किस पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए हम क्रिएटिव थिंकिंग को हम कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज करते हुए बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी आ सके उसको हम क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था? एवरीबडी, जॉर्डन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्डन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप ओके। काफी इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट आप सभी के लिए होगा। सो कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का? इट विल बी मेंटल स्टेट। ओके, इट विल बी मेंटल स्टेट कि इंसान जो है उसकी मानसिक स्थिति क्या है। कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। कम्युनिकेशन का एलिमेंट कौन से संदर्भ में कम्युनिकेशन हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है? सेंडर यानी कि सोर्स है और फीडबैक है, रिसीवर है, डिकोड है, लेकिन एक इंसान की जो मनोवैज्ञानिक आप कह लो मानसिक जो स्थिति है वो कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इंसान की मानसिक स्थिति कुछ भी हो कम्युनिकेशन हमेशा होता ही रहता है। कम्युनिकेशन हमेशा कभी भी रुकेगा नहीं, कम्युनिकेशन कभी भी नहीं रुकेगा। एक इंसान को मान लो कम्युनिकेशन उस बोल भी नहीं पाता वो कुछ भी, ठीक है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बोल भी नहीं पा रहा, फिर भी संचार होगा, चाहे वो नॉन वर्बल चीज से ही क्यों ना हो, संचार तब भी होता है। इसलिए मेंटल स्टेट विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड वंशिका, सो स्वीट ऑफ यू। अंडर द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइकोमोटर डोमेन, कौन सा इसमें से साइकोमोटर डोमेन के अंदर में नहीं आता है? एवरीबडी, साइकोमोटर डोमेन किसने दिया था मुझे बताओ, साइकोमोटर डोमेन किसने दिया था? ओके एवरीबडी, कौन सी चीजें नहीं आती? अच्छा, नेहा कह रही है मैम ब्लूम ने दिया था, ब्लूम ने दिया था। चलो, साइकोमोटर डोमेन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता, साइकोमोटर डोमेन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। साइकोमोटर यानी कि आपके स्किल की बात हो रही है, तो उसमें कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हैबिट फॉर्मेशन ये सारे आते हैं। साइकोमोटर डोमेन टेक्सोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि डोमेन जो थे
सॉरी डोमेन नहीं, ब्लूम टेक्सटोनॉमी का पार्ट है, ब्लूम टेक्सटोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि ब्लूम जो थे लीडर थे, क्या थे, लीडर थे, जब सिद्धांत दिया जा रहा था तो ब्लूम के अंडर ही ये सारे सिद्धांत दिए गए, तो इसलिए ब्लूम टेक्सटोनॉमी कहा गया। ब्लूम ने सिर्फ कॉग्निटिव दिया था, साइकोमोटर अलग से अगर आपसे पूछा जाए कभी कि साइकोमोटर किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कहना एजे हैरो, एंड इनमें एक दो व्यक्ति और शामिल हैं, जैसे कि आप कह लो डेव हो गए, तो ये एक नाम याद रखना एजे हैरो, ठीक है। साइकोमोटर इंडिविजुअली हैरो के अंडर दिया गया था, एजे हैरो, मगर ये जो टीम थी, एक पूरी समूह थी इस चीज को दे रही थी, डोमेन दिया जा रहा था, तो समूह के जो लीडर थे ब्लूम, उनके ऊपर इसको पूरा नाम दे दिया गया, ब्लूम टेक्सोनॉमी। क्लियर है, जिसमें तीन चीजें शामिल हैं, आपका अफेक्टिव और आपका कॉग्निटिव और साइकोमोटर। क्लियर ईच एंड एवरी वन, याद रहेगा, याद रहेगा। ओके, सो हैबिट फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन, आप कोई चीज पर्टिकुलर चीज सीख लिए, स्किल के जरिए सीख लिए, अब आप उसको रिपीट मोड पे करते हो, आपका हैबिट बनते जाता है। रिपीट मोड पे करने के लिए आपको स्किल की जरूरत होती है, तो ये सारी चीजें आप ये ग्राफ हमेशा याद रखना, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर एंड यहाँ पे आपका अफेक्टिव डोमेन। आमतौर पे कॉग्निटिव डोमेन काफी बार पूछा गया है, मगर इस बार मुझे लगता है कि इतनी बार कॉग्निटिव डोमेन पूछा गया तो हो सकता है इस बार साइकोमोटर या फिर अफेक्टिव डोमेन पूछा जाए, तो इनके सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब, ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर ईच एंड एवरीबॉडी, हरी अप, हरी अप। कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव कंप्लीटली थ्रू टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप एज अ टीचर, अगर कोई टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है तो वो बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलप कर सकता है, अफेक्टिव डोमेन को डेवलप कर सकता है, साइकोमोटर को भी डेवलप कर सकता है, किसके थ्रू, टीचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लियर, सी विल बी आवर राइट आंसर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एवरीवन। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है आपको, लेकिन कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट आंसर करो, गैगने की लर्निंग हायरार्की पढ़ी है कि बच्चा कैसे कैसे चीजों को सीखता है, लर्निंग हायरार्की आपने पढ़ी है, तो इसका बी विल बी आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। रूल लर्निंग फॉलोज कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तभी तो उसमें रूल क्या क्या सिद्धांत होंगे उस चीज को अप्लाई कर पाओगे, तो ये आपका लर्निंग हायरार्की है। ओके, दिस इज योर लर्निंग हायरार्की। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास है पीपल एंड एनवायरमेंट की, पीपल एंड एनवायरमेंट की हमारी नेक्स्ट क्लास है 3 बजे इसी चैनल पे, तो उस क्लास में हम दोबारा से आपसे मिलेंगे। Solve this question right now. Which is not a part of collective education guidance? Collective means क्या होता है? समूह होता है, ठीक है। Collective education guidance, तो व्यक्तिगत थोड़ी शामिल हो जाएगा कि व्यक्तिगत हम सबके केस स्टडी करें, व्यक्तिगत रूप में हम सबके केस स्टडी करें, क्योंकि कलेक्टिव मीन्स कि बहुत सारे लोग हो गए कलेक्टिव में, ठीक है, बहुत सारे लोग। तो ग्रुप ओरिएंटेशन absolutely, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ग्रुप में हो रही है एब्सोल्युटली, प्रोफाइल फॉर्मेशन ग्रुप में हो रही है एब्सोल्युटली, कलेक्टिव एजुकेशन है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में हम केस स्टडी कर रहे हैं हर एक पर्सन की, तो ये कलेक्टिव एजुकेशन गाइडेंस नहीं होगा। सी विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। काफी क्वेश्चन बचे हैं, तो कल के सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, एंड आई होप
कि ये सेशन आपको पसंद आया हो. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में आंसर करना है. यहाँ पे नहीं, होमवर्क क्वेश्चन है तो ऑफलाइन कमेंट में आपको आंसर करना है. और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, कल हम उनके नाम को अनाउंस करेंगे अपने सेशन में. सो जरूर इसको अटेम्प्ट करें. आई होप आपको क्लास पसंद आई हो. जब भी सब्सक्रिप्शन लें, वेरियस ऑफर आते रहते हैं अनअकैडमी पे टाइम टू टाइम, तो जेटी नेट कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा आपको इस पे. पेपर वन पेपर टू सभी टीचर्स को आप देख सकोगे. क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है. आपको थोड़े थोड़े काम करने, अगर क्लास आपको पसंद आई हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो पहले तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको कमेंट करना है ऑफलाइन कमेंट में. एंड अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हो. अनअकैडमी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स. एंड मेरी एप्लीकेशन की क्लास होती है, फ्री क्लास होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एप्लीकेशन की जो क्लासेस होती है उसमें सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जो कोर्स को परचेज किए, तो ऐसा नहीं है. एप्लीकेशन पे फ्री और पेड क्लास दोनों होती है. ओके, अनअकैडमी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है. फ्री क्लास मेरी डेली अनअकैडमी पर होती है एप्लीकेशन पे 6:50 PM. ओके, 6:50 PM फ्री क्लास होती है. उसमें हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं. सोचो इस थोड़े से मॉक टेस्ट पे आपको इतनी खुशी हुई अटेम्प्ट करके. तो हम डेली मॉक टेस्ट कर रहे हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता. तो डेली आप फ्री सेशन देख सकते हो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे. ज्योति तिवारी मैम को सर्च आप करोगे तो मैं वहां पे एप्लीकेशन पे आपको दिख जाऊंगी. वहां पे आप जरूर ज्वाइन करें फ्री क्लासेस, और अगर सब्सक्रिप्शन लियो तो पेड क्लासेस भी देख सकते हो. ओके, यूट्यूब पे डेली मेरी क्लासेस कितने बजे होती है. सो पहली क्लास होती है 2:20 PM. टाइमिंग थोड़ा सा 5-10 मिनट्स की देरी हो सकती है. एंड दूसरी क्लास होती है 3:40 PM. ओके, सो मिलते हैं नई क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय. उम्मीद और आशा करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो. ऐसे ही भरपूर प्यार अनअकैडमी और टीचर्स के साथ बनाए रखें, सबके लिए रिस्पेक्टफुल हो, समाज में एक मुकाम हासिल करें, यही उम्मीद के साथ कि आप सभी का JRF निकले. मिलते हैं एक नए सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद, जय भारत. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग क्लास.